हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर टू स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट थर्ड हम आज डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे स्ट्रेन क्या होता है। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया है फोर्सेस के बारे में, लोड्स के बारे में एंड स्ट्रेस को अच्छे से समझा है। तो अब जानते हैं स्ट्रेन क्या होता है। एनी टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। यानी जब हम फोर्स लगा देते हैं किसी भी बॉडी में, तो जब उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, तो हम उसे क्या, उस डिफॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। देखिए, ये मेरे पास कोई रॉड है और इस रॉड में मैं क्या लगा रहा हूँ, एक टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये रॉड क्या हो जाएगी, इलॉन्गेट हो जाएगी। पहले देखिए, पिंक से मैं डिनोट कर रहा हूँ कि ये पिंक से एक रॉड है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये रॉड क्या हो जाती है, इलॉन्गेट हो जाती है। इसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पहले यदि एल थी तो अब क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल एल। यानी इसकी जो डिफॉर्मेशन हुई वो किस में हुई, लेंथ में। तो इसे ही हम डिफॉर्मेशन को ही क्या कहेंगे, हम इस डिफॉर्मेशन को ही हम स्ट्रेन कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ई। ये हमारे स्मॉल लेटर ई से डिनोट किया जाता है। इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब देखिए, डिफॉर्मेशन टेक प्लेस इन लेंथ ऑफ अ बॉडी। अगर डिफॉर्मेशन हमारी लेंथ में हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखिए, अब कितने तरीके का हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो दो तरीके का होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। देखिए, इफ़ ए रॉड ऑफ लेंथ एल इज एक्सटेंडेड टू डेल्टा एल। यानी कोई भी हमारे पास रॉड है जो एल लंबाई की है, इज़ एक्सटेंडेड टू डेल्टा एल। यानी उसको जब हम फोर्स देते हैं, जब मैं इसमें कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो वो क्या हो जाती है, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डेल्टा एल से इंक्रीज हो जाती है, डेल्टा एल से इंक्रीज हो जाती है। तो हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन हम निकालेंगे इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया इसका मतलब। कैसे हम टेंसाइल स्ट्रेन को ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारी इंक्रीज इन लेंथ हुई, यानी डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल। तो जो इन दोनों का रेशियो होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इफ़ ए रॉड ऑफ एल लेंथ इज रिड्यूस टू लेंथ डेल्टा एल। देखिए, अगर कोई रॉड है एल लेंथ की और वो रिड्यूस की जाती है, उसकी जो डायमेंशन होती है वो डेल्टा एल कम की जाती है, रिड्यूस की जाती है ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स होने के कारण क्या होता है, डेल्टा एल जो उसकी लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालेंगे। कैसे, रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ, यानी कितना हमारे डिक्रीज की लेंथ, बाय द ओरिजिनल लेंथ एल, इट इज़ नॉन एज कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। अब हम थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। यानी कोई भी बॉडी है, यदि उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म प्रेशर को अप्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम दी ऑल साइड्स, सभी साइड्स से, सभी डायरेक्शन से क्या कर रहा हूँ, उसमें यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाइड कर रहा हूँ, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा या बढ़ेगा, चेंज होगा या बढ़ेगा या घटेगा। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, रेशियो होगा चेंज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और वी क्या है मेरे पास, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा रेशियो मेरे पास आ जाएगा इन दोनों का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो सीयर स्ट्रेस क्या होता है देखते हैं। सीयर स्ट्रेन रिलेट्स टू चेंज इन शेप। यानी जब शेप में परिवर्तन हो जाता है, जब शेप में ही परिवर्तन हो जाता है, तो उस वो क्या होता है, सीयर स्ट्रेन होता है उस समय। इफ़ फोर्सेज आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू द बॉडी, सो डिफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस इन शेप। यानी क्या होता है, जब हम टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, तो हमारा जो डिफॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, शेप में होता है। देखिए, यहाँ पे मेरे पास कोई बॉडी है जो फिक्स्ड एंड है ए बी, इसका फिक्स्ड एंड है ए बी से फिक्स है, और ऊपर मैं इसमें क्या करता हूँ, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, टेंजेंशियल फोर्स। तो इनके बीच में एक क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फोर्स, शियरिंग फोर्स क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। देखिए,
यहाँ पे एक रेजिस्टिंग फोर्स जो इसे आगे नहीं जाने देगा और एक टेंजेंशियल फोर्स जो इसे आगे खींचेगा। इसके कारण क्या होगा आफ्टर शियरिंग, देखिए शियरिंग फोर्स लगने के बाद क्या हो जाएगा, ये फाई और फाई दोनों साइड से क्या होगा हमारा फाई इंक्रीज करेगा, स्ट्रेन क्या है इसमें फाई क्या आया स्ट्रेन आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं इसका फॉर्मूले हम कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए ई एस यानी शियर स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे, जो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, देखिए चेंज इन लेंथ क्या हुई सी सी बाय ओरिजिनल लेंथ क्या थी बी सी, ओरिजिनल लेंथ क्या थी बी सी, डी डी चेंज हुआ बाय ए डी। तो ये हमने फॉर्मूले के अनुसार चेंज इन लेंथ जो इसमें चेंज हुआ बाय ओरिजिनल जो इसकी लेंथ थी। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या है इस फाई के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा टेन फाई, क्या हो जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन सी सी डैश बाय बी सी और डी डी डैश बाय ए डी। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से शियर स्ट्रेन ई एस इज इक्वल टू टेन फाई, किसके बराबर आ जाएगा टेन फाई के बराबर आ जाएगा। बट टेन फाई क्या होता है बहुत ही छोटी क्वांटिटी, यानी डिफॉर्मेशन क्या हुई है बहुत ही स्मॉल हुई है। तो हम क्या करते हैं टेन को नेगलेक्ट करके सीधा जो फाई हम क्या मानते हैं फाई फाई मान लेते हैं शियर स्ट्रेन। तो हम शियर स्ट्रेस स्ट्रेन को किससे डिनोट करेंगे फाई से डिनोट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं लेटरल स्ट्रेन के बारे में कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। When the force is applied on the bar, जब भी force हमारी किसी भी bar पे या किसी rod पे हमारी कोई force लगती है तो the ratio of change in diameter to the original diameter, यानी जो diameter हमारा change हुआ है और जो original diameter का जो ratio है उसे हम क्या कहेंगे lateral strain कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई rod थी, जब मैंने इसमें tensile force apply किया तो tensile force के कारण क्या हुआ इसकी length तो हमारी increase हो गई, इसकी length तो increase हो गई L plus delta L, पर इसका डायमीटर क्या हो जाएगा डिक्रीज होएगा बाय डेल्टा डी बाय डेल्टा डी। तो यहाँ देखिए सर्कुलर सेक्शन के लिए जो लैटरल स्ट्रेन होगा उसे हम ई डी से डिनोट करेंगे डेल्टा डी बाय डी। अब लैटरल स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, आप देखिए कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है लैटरल स्ट्रेन, तो हमें पता है कि जब भी मैं किसी रेक्टेंगुलर बार को इलोंगेट करता हूँ फोर्स लगाकर तो इसमें इसकी लेंथ तो बढ़ती है पर जो ब्रेथ और जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया ये वाली लेंथ क्या हो गई मेरी डिक्रीज, ये हो जाएगी टी माइनस डेल्टा टी, ये इन डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा बी माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। तो इसलिए रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होगा लैटरल स्ट्रेन डेल्टा बी बाय बी, यानी चेंज इन विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ और चेंज इन थिकनेस बाय ओरिजिनल थिकनेस। तो ये हो जाएगा मेरे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लैटरल स्ट्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही मतलब अधिक पूछे जाने वाले टॉपिक के बारे में पॉइजन्स रेशो। व्हेन द डिफॉर्मेशन ऑफ बार इज़ विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी जब भी डिफॉर्मेशन हमारे इलास्टिक लिमिट के अंदर होती है, यानी कोई भी बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेती है दोबारा, तो द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन बार। तो क्या होगा जो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा किसी भी बार के लिए किसी भी रॉड के लिए, तो उस कांस्टेंट को ही हम क्या कहेंगे पॉइजन्स रेशियो कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय 1 बाय एम और म्यू, यानी यह 1 बाय एम और म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं पॉइजन्स रेशियो को। द वैल्यू ऑफ 1 बाय एम लाई बिटवीन 1 बाय 4 एंड 1 बाय 3, यानी इसके बीच में ही हमारे पास क्या होता है पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होती है। यह यूनिटलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेन इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड आल्सो स्ट्रेन इज़ अ यूनिटलेस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई डी डाया का रॉड था जिसकी लंबाई एल थी, जिसकी लंबाई एल थी, इसमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखाया है। तो जब हम इसे क्या करेंगे इसमें जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ होगी वो डेल्टा एल इंक्रीज़ करेगी और टोटल लेंथ हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। पर आप देखिए कि जब हम क्या करेंगे लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो डाया क्या हो जाएगा अपने आप डिक्रीज हो जाएगा बाय डेल्टा डी बाय डेल्टा डी। तो यही है कि पॉइजन्स रेशियो, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नॉन एज पॉइजन्स रेशियो। अब देखिए इनके बीच में रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग, इसमें हमें पता है लेटरल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जहाँ पर लेटरल स्ट्रेन होता है डेल्टा डी बाय डी फॉर सर्कुलर बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जहाँ पे ई है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यह आ जाएगा मेरे पास कांस्टेंट 1 बाय एम
इंटू ई, क्योंकि प्रोपोर्शनल का जब हम साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पॉइजन्स कांस्टेंट कहेंगे, जिसे 1/m और म्यू से हम डिनोट करेंगे, इंटू ई, ई यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ से हमारे पास आ जाता है रिलेशन बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू 1/m इंटू ई। तो ये हमारे पास आ गया लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में रिलेशन। इसी के साथ आज हमारा पार्ट 3 स्ट्रेन इन चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन एंड होता है। इसमें हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेन के टाइप पे हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेन कितने तरीके के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन जिसने हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, शियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, आज हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया और जाना हमने पॉइजन्स रेशो के बारे में कि पॉइजन्स रेशो क्या है, और रिलेशन हमने जाना लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में कि क्या इनके बीच में रिलेशन होता है। तो इसी के साथ आज हमारा यह पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, जिसमें हमने स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया, एंड होता है। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।